और फिर फोन करके न्यूकन मेर दो। अरे जब छोटी तो छोटी बाग बनी हुआ राष्ट्रवादी बंद कर दो सूत्र ढाल टेबल पा के सूत्र ढाल मेज बोले भी नहीं पाओगे तुम सारा सोता मानो भी गए आज भी दौड़ोगे माफी भी मांगोगे मेड तो इस तरह का बातें नहीं अरे हम तो निमेड़न खातर बैठे हैं हमने समाज में जवाब देना है हमने ये बात मांगी थी भाई ये गलत मांगी थी कि मैंने पहले बताई गलत थी कि ये और फिर फोन करके न्यूकन मेर दो अरे जब छोटी तो छोटी बाग बानी वह भी बानन में तैयार नहीं नुमेर दे कुकर यू ड्रामा बंद कर दो भाई राष्ट्रवादी बंद कर दो सूत्र ढाल टेबल पा के सूत्र ढाल मेज पा के और बात करके इस समस्या का हल काट दो हम यह चाहवा नहीं तो मजबूर ना करो तोड़े भी नहीं पाओगे तुम सारा सौदा मान लो भी गए हाथ भी जोड़ोगे माफी भी मांगोगे पंचायत में ये करते रहे हो तुम्हें पास से भी और फिर न्यू कहोगे मेरे पास तो सूचना नहीं पहुंची थी या सूचना को नहीं चार दिन तक बैठे मेरे भाइयों को लंबा चौड़ा भाषणबाजी नहीं करना चाहते बोलने का घना था बहुत घने सौदे हैं बहुत मुद्दे हैं बोल भी सकते हैं मगर समय नहीं है बोलने का सीआईडी के साथी डीसी साहब ने बता दे जल्दी आकर भाईचारा गला बात करके इसका हल कर दे नहीं तो तेरा दफ्तर मारा था घनी दूर को नहीं और भीतर का भीतर बाहर का बाहर याद रखी इस बात में अफसर है जो तनख्वाह लेते हमारे टैक्स से लेते हैं हमारे मालिक नहीं है माचिस से लेकर के जितनी भी चीजें हम लेते छोटे हर चीज पे टैक्स देते इनके पीछे पब्लिक सर्वेंट लिखा होता है पब्लिक सर्वेंट का मतलब पब्लिक के नौकर है और अपनी नौकर वाला काम निभा दे भाई जनता का मालिक ना बने ये जनता बैठी है ये देश की मालिक है प्रजातंत्र के अंदर देश की मालिक जनता होती है कानून बनाने का अधिकार जनता को होता है कानून बनाने का लागू करवाने का सारा काम देते हैं इसलिए भाइयों मालिकों को चैलेंज ना करो नौकर बन के रहो जनता की आवाज सुनो इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात में माफी चाहूंगा मेरी प्रार्थना है पुणे डीसी साहब सुन ले लोगों की आके वरना सख्त फैसला आ गया पाछा नुका का मैंने बिराए को नहीं धन्यवाद साथी सम्मानित हरियाणा प्रदेश से भिन्न भिन्न क्षेत्रों से और भिन्न भिन्न खापों से आज हमारी बिनाड़ खाप के ऐतिहासिक गांव दमटान के अंदर हमारी आपदा के अंदर हमारी समस्या के अंदर और हमारी हक और न्याय की लड़ाई के लिए भिन्न भिन्न खापों से आए हुए सभी खापाधीशों को हम बिनाड़ खाप में पहुंचने पर उनका अभिनंदन करते हैं और रही बात बहुत से वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही मैं भी तीन बातों के और आप दो आप लोगों का ध्यान अग्रसर करना चाहता हूं ये विषय क्या है ये समस्या क्या है ये आपको आजमाने का आपके ऊपर तनाशाही का आपको ये साबित करना चाहते हैं हम जब चाहे किसी भी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं जब चाहे किसी भी कौम को कुचल सकते हैं और जो चाहे हम किसी भी आंदोलन के ऊपर किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां कर सकते हैं तो सरकार
ये आपको दिखाना चाहती कि हम अपनी आतंकवादी गतिविधियां कर सकते हैं और आप लोगों के साथ इन्होंने करके दिखाया है। हमारा भाई हमारे बीच से गया, ये बात भूल जाना। हमारे तीन जो लोग अपराधी हैं, जो तीन प्रकार के लोग हैं, वो ध्यान से सुने। बिजली बोर्ड का जो कर्मचारी अपराधी है, तो बिजली बोर्ड का अध्यक्ष कान खोल के सुन ले। वो हमारे बीच में जितना जल्दी आएगा आपके लिए शुभ होगा। दूसरा जो पुलिस के अधिकारी है, वो हमें तानाशाही दिखाते हैं, मारने के केस की धमकियां देते हैं। तो इस प्रकार की धमकियां होरों ने दी, यहूदियों ने दी, मुगलों ने दी और अंग्रेजों ने दी। जनरल डायर को इंग्लैंड में जाकर मार दिया था। रही बात आज जो मुख्य जो बात है, वो ये है, जवान है वो भी गरीब का बच्चा है, और जिसके ऊपर प्रताड़ना आ रही है वो भी गरीब लोग हैं। जो व्यक्ति कह रहे थे हम इस देश का विश्व गुरु बनाने, 82 करोड़ लोग उस अवस्था में पहुंचा दिए। 82 करोड़ लोगों ने जो सरकार की सहायता मिल जाएगी, रोजी रोटी उनका चूल्हा चौका चल जाएगा, उनका जीवन बच जाएगा। नहीं वो नरक में जाऊंगे, वहां बेकेंगे तड़प के मरेंगे। 82 करोड़ की आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। और दूसरा इस प्रकार की जो घटनाएं घटा है, वो समाज को डराने का प्रयास करते हैं। रही बात बनियान खाप के इतिहास के बारे में बहुत लोगों ने बताया है, तो मैं तीन प्रकार के सुझाव अपने रखना चाहता हूं लोगों के बीच में। हम जो इस प्रदेश की मुख्य इकाई हैं, एक को डीएसपी का आदम की जाएगा। अरे तो 2 करोड़ के आदमी पूरा के इतने बड़े परिवार के एक व्यक्ति की हत्या होने के उपरांत उस परिवार को डरावे। हम 52 गांव है, 64 गांवों की 763,000 आबादी है। अगर एक एक थप्पड़ मारेंगे तेरे सारे खानदान को भी खत्म कर सका जाएगा। तो इस प्रकार की कोई धमकियां देने का प्रयास नहीं करे इतने बड़े परिवार के व्यक्तियों को। और ये इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां बिल्कुल भी ये परिवार सहन नहीं करेगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, 800 लोग तड़फा के मारे, आपकी आवाज उठाने दिल्ली गए थे, 800 लोग तड़फा के मार दिए। लेकिन उनके जब संगठन हुआ, एकता ही उन दुष्टों को झुकना पड़ा। और आज आप लोगों को इधर जो इस भाई की अत्याचारी है, जब तक वो कर्मचारी, दुष्ट कर्मचारी, आतंकवादी कर्मचारी, वो गिरफ्तार नहीं होंगे, और जो पुलिस अधिकारी जो हमारे ऊपर आतंकवादी गतिविधि करने का और डराने का प्रयास करे थे, उनके ऊपर मुकदमे नहीं होंगे, तब तक ये परिवार यहां से उठेगा नहीं। और ये आंदोलन और भी सजगता से चलेगा। तो मैं यही विनम्र प्रार्थना करूंगा, अब हमें मुख्य बिंदु क्या सोचना चाहिए। एक जो कमेटी बने, हम जो ये तो हमारे साथ अन्याय सरकार कर रही है, सरकार को किस प्रकार हम नुकसान करा, बिजली बोर्ड को कैसे एहसास करावा, और इन्हें आतंकवादी गतिविधि करने वाले पुलिस अधिकारियों को कैसे एहसास करावा। एक मुख्य कमेटी बने, तो हना रोड के ऊपर हमारा कनरी गांव है, जो हमारा इशार रोड के ऊपर लीतानिया सड़गड़ी आम है, दलौता मेन रोड पर बैठे है, तो हमारे बहुत से गांव निर्माण रोड पर बैठे हैं। बहुत जल्दी संघर्ष करें और इस प्रकार का फैसला ले, यहां नहीं बैठेंगे, पूरे रोडों को जाम करने की प्रक्रिया प्रारंभ करें और एहसास कराएं कि इस प्रकार की आतंकवादी गतिविधियां कभी सहन नहीं होंगी। मैं नहीं, और ये किसी एक व्यक्ति का एक परिवार का नहीं, ये 36 जाति के ऊपर हमला है। आज दंतायण में होगा, तरका दड़ौदा होगा, परसों किसी और का होगा। तो आप जातियों में न बैठे, 36 जाति, सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी लोग एकजुट हो, किसी के ऊपर समस्या हो, या जातियों में न बैठ के सारा समाज एकजुट होकर संघर्ष करे। इन दुष्टों को झुकना पड़ेगा और झुका के छुटेंगे। मैं करमबीर नंदनोदा से
मैं यही भी नम्र अपील करता हूँ और आगे लोगों से ज्यादा संदेशा देके एक संगठित संगठन बनाए और नीतियां बनाए, हम सरकार को एहसास कैसे कराएं। सीधा है, आज जींद की जो किसके ऊपर है सत्ता, दुष्यंत के ऊपर है। एक और फिर करते भाई, इस आदमी का बहिष्कार हो जाएगा, उसका पानी बंद कर देते, आवाज क्या होगा। एक बार करो तो सख्त कदम उठान सीखो, जिस दिन आपके सख्त कदम होंगे और सख्त कमेटी होगी, आपके जो टिकाऊ और मजबूत लोग उस कमेटी में होंगे, तो यह झुकना कोई बड़ी बात नहीं। जनता सर्वोपरि है, सुरेश जी ने बता दिया, सरकार जनता की, जनता सरकार बनाने वाली जनता के लिए ऑफिसर बने तो जनता आतंकवाद गतिविधियां कभी सहन नहीं करेंगी। जय जवान जय किसान।